ଐତିହାସିକ ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାରଣାସୀରେ ରହିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର 23ତମ ଗସ୍ତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରଣାସୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ 6-ଲେନ୍ ପରିଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ 73 କିଲୋମିଟର ରାଜପଥ ବିସ୍ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,447 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଡର ସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 70 କିଲୋମିଟର ସେ ଜ୍ୟାଦା କା ୟେ ବୋ ସଫର ଅବ ଆରାମ ସେ ହୋଗା, ତେଜ ରଫ୍ତାର ମେ ହୋଗା। ଇସ ହାଇୱେ କେ ଚୌଡ଼ା ହୋନେ ସେ କାଶୀ ଔର ପ୍ରୟାଗ କେ ବୀଚ କା ଆନା ଜାନା अब और आसान हो गया। बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हो, उनका जीवन और आसान बने। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी व्हीकल्स शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6-लेन हाईवे से निकल सकेंगे। वहीं जिन दूसरे हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाईवे के बनने से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर की यात्रा और आसान हो जाएगी। ବାରଣାସୀବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 1 ଡଜନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ୟୁପିରେ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରଣାସୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ବିରୋଧୀମାନେ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इसके अलावा कुशीनगर के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है,
जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। प्रधानमंत्री कहिछन्ति जदि देखिबा जेतेबेले एक अंचल रे आधुनिक संजोग विस्तार हुए एथिरु कृषक माने अधिक लाभवान हुंती। कृषक मानक सुविधा पई केन्द्र पक्षरु ग्राम गुडी करे आधुनिक रास्ता रे स्टोरेज एवं शीतल भंडार व्यवस्था सृष्टि करबाकु प्रयास करा जाउछि। एथिपाई 1,00,000 कोटी टंकार एक पांठी मध्य सृष्टि करा जाइछि। एथिसहित प्रधानमंत्री कहिछन्ति पूर्वरु ऋण छाड़ पैकेज घोषणा हेउथला किंतु एहार लाभ कृषकक निकट रे पहुंची पारु नथिला। किंतु एबे नूतन कृषि संस्कार कृषक मानकु नूतन विकल्प एवं आईनगत सुरक्षा देछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।